रॉयमस की भविष्यवाणी के हिसाब से जब 47 ग्रह कतार में आ जाएंगे तब उस दुनिया पर कहर बरसेगा जहां बुराई पनपती रहती है और बढ़ती अंधकार की छाया से कमजोर बच नहीं पाएंगे। यानी सब खत्म हो जाएगा। सुना तो मैंने भी ऐसा ही है कि भविष्यवाणी में विनाश लिखा है, और इसमें कितनी सच्चाई है। मुझे लगता था कि पूर्वजों ने हमारे प्लेनेट का जिक्र किया था, लेकिन साइबरट्रॉन तो सदियों से ही अंधेरे में है। और मेगाट्रॉन के इस प्लेनेट पर आने के बाद से काफी बुराई पनप चुकी है। अरे लेकिन हम इस भविष्यवाणी के बारे में बरसों से जानते हैं, फिर इस पर आज बहस क्यों कर रहे हैं? हम आज इतने परेशान क्यों हैं? क्योंकि भविष्यवाणी के मुताबिक ही ग्रह अपनी दिशाएं बदलने लगे हैं और उनकी कतार पृथ्वी पर ही खत्म होगी। अजीब इत्तेफाक है ना? हमारे पास कितना वक्त है? सिर्फ कुछ ही दिन, ज्यादा नहीं। ये सब जानने के बाद परेशान होना लाजमी है, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र उन लोगों की है जो जी रहे हैं सिर्फ इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। मुझे यूनिक्रॉन का खून सिर्फ खुद को जिंदा रखने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि मुर्दों की फौज को जगाकर हर दुनिया पर राज करना है। और इस मकसद के लिए मेरे अंदर पड़ा ये छोटा सा टुकड़ा काफी नहीं है। तो कहाँ है मेरा डार्क एनर्जॉन? आसपास ही होगा लॉर्ड मेगाट्रॉन, इंतजार में होगा कि कब आप उसे हासिल कर लें। पर आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपने काफी कुछ सहा है, आप कोमा में भी रहे ना? इसलिए तो बर्बाद हुए वक्त की भरपाई करनी है। मुझे भविष्य दिख रहा है बिल्कुल साफ, मुझे उसकी तैयारी करनी है। मैं ही हूँ वो अंधकार जिसका जिक्र भविष्यवाणी में हुआ है। कॉस्ट्यूम पहना बच्चा है, बलून नहीं। एक सेकंड, बम्बलबी की काफी अच्छी फोटो आई है। अब क्या करें, शानदार कार देखकर सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। क्या वो बम्बलबी है? कॉन्स्पिरेसी वेबसाइट पर उनकी फोटोज होती है जिन पर एलियंस होने का शक हो, लेकिन हमारी नजर हर जगह पर होती है। हम बम्बलबी की फोटो को इसके साथ बदल देंगे। मैं हूँ बिल्ली माँ से, खाती हूँ प्यार से। क्या रैचेट हंसता भी है? ऑप्टिमस, आपको कुछ फनी दिखाऊं? नहीं। बुरा मत मानना, सारे प्राइम्स ऐसे ही होते हैं। मैंने कभी ऑप्टिमस को हंसते रोते या नाराज होते नहीं देखा। ऑप्टिमस अपने जज्बात को काबू में रखता है, कोई उसे इतने सालों से नहीं जानता जितने सालों से मैं जानता हूँ, और वो प्राइम बनने से पहले ऐसा नहीं था। ऑप्टिमस शुरू से प्राइम नहीं थे? साइबरट्रॉन पर कोई पैदाइशी महान नहीं होता, बल्कि अपनी मेहनत से बनता है। वो पहले कैसे थे? क्या वो पार्टी एनिमल थे? नहीं नहीं, ऑप्टिमस बहुत कुछ जैक जैसे थे। क्या? मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम, मेरे लोग काफी वक्त से जासूसी कर रहे थे, हमें लगा था कि मैक कोई उल्टी सीधी हरकत करने वाला है, लेकिन हाल ही में पेनिंगटन से मिली सिक्योरिटी फीड से हमें ये तस्वीर मिली है, देखो। साउंड वेव। राफ इसकी जगह एक बोलती बिल्ली का फोटो डाल देगा। उस बिना चेहरे वाले डिसेप्टिकॉन ने एक हाईटेक बेस कंडक्टर की चोरी की है। उसके अलावा अब तक क्या क्या चोरी हुआ है उसकी लिस्ट भेज रहा हूँ। प्लाज्मा इंजेक्टर, न्यूट्रॉन शील्ड, टेजर एक्ट। वो जो बना रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक चीज की कमी है। डिसेप्टिकॉन का दूसरा बेस ब्रिज शुरू होने के लिए तैयार है। अब हमें जरूरत है सिर्फ, साउंड वेव ने सही कहा, एक बढ़िया पावर सोर्स की। एक है जिसे हाई सिक्योरिटी में रखा जाता है, इंसानों के हिसाब से मैं वहां जा सकती हूँ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सीधे वहां पर धावा बोल दो।
प्राइम, इस बार तो डिसेप्टिकॉन्स ने हद ही कर दी। उन्होंने यूएस मिलिट्री लैब पर हमला कर दिया। तुम्हारी टीम के आने तक हम लोगों ने संभालते हैं। एजेंट फाउलर, मेगाट्रॉन इस बार उसके रास्ते में किसी को नहीं आने देगा, और तुम जानते हो कि मैं इंसानों की जान को खतरे में डालने के हक में बिल्कुल नहीं। फाउलर बोल रहा हूँ, सभी सोल्जर्स वहां से लौट आओ अभी के अभी। लेकिन ऑटोबॉट्स भी यहाँ आ गए हैं। वॉरशिप को तैयार करो, तब तक मैं जाकर काम को अंजाम देता हूँ। बम्बलबी, टीम को बैकअप की जरूरत पड़ सकती है। इस वक्त तुम जहाँ हो वो वहाँ से उत्तर की तरफ हाईवे के पास ही है। आगे एक मोड़ पर रैफ को उतार देना, हम ब्रिज के जरिए उसे बेस पर ले आएंगे। कोई बात नहीं बी, हम फिर कभी रेसिंग कर लेंगे।